तो अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको खत्म है अगर इधर उधर दो चार चीजें रह जाएंगी वो मैं बाद में एड कर दूंगा डोंट वरी फॉर दैट ठीक है तो बेटा हाइट्स एंड डिस्टेंस क्या होता है एंड डिस्टेंस इज नथिंग न्यू इट्स वेरी इजी और इससे JWMains में वेरी ऑफन क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आप लास्ट दो चार साल का ट्रेंड देखोगे ना तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन को मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट में ठीक है तो ये बेसिकली क्या है आपका एप्लीकेशन ऑफ दैट मीन जो ट्रिगोनोमेट्री आपने पढ़ा है उसको आप कैसे अप्लाई करोगे उसी का एप्लीकेशन होगा इसमें हाइट्स एंड डिस्टेंस में तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है दो टर्म आपको यहाँ पे बेसिकली जानने हैं एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन इतना अगर आप जानते हो का अगर आप सारे फॉर्मूला दिमाग में रखोगे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और बहुत ही आसान वे में बहुत ही आसान वे में सारे क्वेश्चन आप बना लोगे ठीक तो है तो चलो फिर शुरू करते हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस ठीक है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस हाइट्स एंड डिस्टेंसेस ठीक है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस तो हाइट्स एंड डिस्टेंस में हम किससे बात करेंगे सबसे पहले मैंने क्या कहा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस क्या है आपका बेसिकली इट्स नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये क्या है आपका एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री बेसिक ट्रिग्नोमेट्री ठीक है बेसिक क्यों बोला क्योंकि यहां पे बहुत खतरनाक ताबड़के मतलब वगैरह यूज नहीं होते बेसिक आप ट्रीनोमेट्रिक जो रेशियो पढ़ते हो वो यूज होगा रूल रूल यूज होगा कहीं यूज हो सकता है बट उसी के साथ साथ आप इसको आराम से निकाल लोगे ठीक है कोई टेंशन नहीं आएगी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ठीक है और सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल भी आपने पढ़ा, आपको पढ़ा चुका हूं मैं तो सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से भी हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर केस यहाँ पे मैच कर जाए तो आप उसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हो ठीक है डन चलो अगर मैं बोलूं कि हाइट्स एंड डिस्टेंस हम लोग कब यूज करते हैं ये तो हो गया क्या है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वेन डू यू यूज इट मान लो कि आपको क्या निकालना है मैं यहां देता हूं नंबर कब आप यूज करते हो है, है ना वेन डू वी यूज यहां मैं लिख देता हूं डू वी यूज हम लोग कब इसको यूज करते हैं ना यूज हम लोग कब करेंगे टू फाइंड द हाइट ऑफ अ इनसेबल टावर क्या बोला मैंने टू फाइंड टू फाइंड द हाइट ऑफ हाइट ऑफ एंड इन एसेसिबल टावर है ना इन एसेबल टावर सेकेंड हम लोग क्या आप कब यूज करेंगे टू फाइंड द डिस्टेंस बिट्वीन टू पॉइंट टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ठीक है टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू क्लियर हो गया तो ये हो गया हमारा हाइट एंड डिस्टेंस में टू फाइंड द हाइट ऑफ एन इनसेसिबल टावर और टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू इनसेबल पॉइंट और ये पढ़ के आपको समझ में आ जा रहा है ऐसा कुछ खतरनाक चीज नहीं है मान लो कि आप यहां पर खड़े सिंपल से एग्जाम्पल देता हूं ठीक है चलो अभी मैं एग्जाम्पल इसको एक्सप्लोर करता हूं इसको मैं एक्सप्लोर करता हूं जो वन लिखा है जो टू लिखा है इसको मैं एक्सप्लोर करता हूं उसी में मैं आपको बता दूंगा ये क्या मीन कर रहा है ठीक है तो यहां पे मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा है ना यहाँ पे मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा दो टर्म्स एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बोला मैंने टू टर्म्स है ना एंगल ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ है ना एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना ये दो टर्म क्या होता है दिस टू टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर यही दो टर्म को वेरी फ्रिक्वेंटली यूज करके क्वेश्चन आपको दिया रहेगा ठीक है अगर मैं बात करूं एंगल ऑफ एलिवेशन की है ना तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है ध्यान से समझो ठीक है मान लो ये आपके पास क्या है एक टावर है क्या है आपके पास ये एक टावर है और ये आपका ग्राउंड है. है आपका ग्राउंड है ये क्या है आपका ग्राउंड है ठीक है लेट्स से ये पॉइंट क्या है आपका ये पॉइंट पे आप हो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है आप बोलोगे सर सर ये पॉइंट एक इंसान कैसे हो सकता है अरे मैं बोल रहा हूं ना मैं बोल रहा हूं इस पॉइंट पे क्या हो आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ठीक है तो इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ये जो आपका ऑब्जेक्ट है है ना इसको आप ऑब्जर्वर बोल दो फॉर ए सेकंड आप इसको क्या बोल दो ऑब्जर्वर लेकिन आपके दिमाग में डाउट होगा सर ऑब्जर्वर तो सर कुछ ऐसा दिखेगा अरे भाई मैं बोल रहा हूँ इस पॉइंट को मान लो ना ऑब्जर्वर है, है ना ये जो ऑब्जेक्ट है इसी को छोटा छोटा करके यहाँ पे ले आओ और बोलो कि ये ऑब्जेक्ट है ठीक है चलो अगर मैं आपको दिस इज द ऑब्जेक्ट ये क्या है आपका दिस इज द ऑब्जर्वर दिस इज वट द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट तो ये जो एंगल बनता है लेट्स से अल्फा इसी को आप क्या बोलते हो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन ठीक है डन समझ में आया इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं लत से लत से लत से यह आपका क्या है ग्राउंड यह आपका क्या है ग्राउंड ठीक है यह आपका क्या हो जाता है ग्राउंड हो जाता है अगर मैं आपको बोलूं कि लत से ग्राउंड है और ये क्या है एक एक कोई पहाड़ है लत से ये क्या है एक पहाड़ है, है? पर है, एक पहाड है? पर ठीक है यहां आपका क्या है कोई एक पहाड़ है या कोई टावर पकड़ लो ठीक है मान लो यहां पर क्या हो आप हो यहां पे क्या हो लत से आप हो ठीक है और यहां पे क्या है आपका ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है आपका ऑब्जेक्ट और ये क्या है आपका ऑब्जर्वर तो यहां से देखो आप यहां पे देख रहे होगे यहां यहां से आप यहां पर देख रहे होगे है ना आप ऐसे करके डाउन देख रहे होगे यहां पर आप पहाड़ पे हो पहाड़ से आप नीचे से देख रहे होगे तो जो एंगल आप बनाओगे विद विद दिस दिस स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन लाइन है ना line, जो आप एंगल बनाओगे लेट्स से इसको मैं बीटा बोल देता हूं इसी को आप क्या बोल दोगे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बोलोगे एंगल ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन क्लियर हो गया इसको आप क्या बोल दोगे एंगल ऑफ डिप्रेशन ठीक है ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमेशा एलिवेट एलिवेट मतलब क्या होता है ऊपर जाना डिप्रेशन मतलब नीचे करना है ना तो ये हो गया आपका क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन डिप्रेस हुआ और ये क्या हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन एलिवेट हुआ ठीक है क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए याद रहेगा ठीक है इसीलिए मैंने बताया कि ये बीटा होता है ध्यान रखना कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं एग्जाम में वो इसको मान लेते हैं बीटा मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन एग्जाम में दिया रहेगा तो वो इसको कंसिडर कर लेते हैं है ना वो क्या करते हैं इसको कंसिडर कर लेते हैं जब इसको कंसिडर कर लेते हैं तो एग्जाम में उनका आंसर गलत आ जाता है तो इन दिस रिगार्ड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल और आपको यही चीज समझना है जब भी आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया जाएगा आप ग्राउंड से मेजर करोगे जब भी आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया आप कहां से मेजर करोगे जो line, जो स्ट्रेट लाइन दियाटल प्लेन में होगा है ना दिस होराजेंटल लाइन और जो ये आपने लाइन बनाया ना उसके बीच का जो एंगल होगा है ना इसको आप बोलते हो लाइन ऑफ साइट इसको आप क्या बोलते हो लाइन ऑफ साइट है ना इसको आप क्या बोलते हो लाइन ऑफ साइट लाइन ऑफ साइट लाइन ऑफ साइट मतलब जो आप देख रहे हो है ना जो आप जिस लाइन के थ्रू आप देख रहे हो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो फॉर एक्जाम्पल मेरे आगे कैमरा है मैं कैमरा को देख रहा हूं तो एक लाइन ऑफ साइट बनेगा ना सिंगल लाइन जो मेरा आंख से सीधा कैमरा तक जा रहा है तो दैट इज जस्ट द लाइन ऑफ साइट ठीक है तो लाइन ऑफ साइट और जो हॉराइजेंटल लाइन के बीच में बनेगा दैट इज बीटा एंड जो लाइन ऑफ साइट जो ग्राउंड के बीच में बनेगा दैट इज द अल्फा एंगल ऑफ एलिवेशन तो हमेशा होराइजेंटल लाइन के साथ नहीं बनेगा ये क्लियर रखे हो अपने आपको ठीक है तो यहां पे एक डाउट आ सकता है किसी का कि सर अगर मैं यहां से इसको अल्फा बोलता हूं और अगर मैं यहां से इसको बीटा बोलता हूं तो सर क्या यह एंगल ऑफ एलिवेशन होगा मैं बोलता हूं यस yes होगा सर क्या यह एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा यस yes होगा सर ये दोनों इक्वल है तो मैं बोलूंगा यस yes, इक्वल है तो आपके दिमाग में डाउट आएगा सर क्या यह हमेशा इक्वल होगा नॉट नेसेसरी वाई बिकॉज इन दिस केस आप object, ये क्या है आपका ऑब्जर्वर ये क्या है ऑब्जेक्ट तो आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हो कि द एंगल ऑफ एलिवेशन है ना द एंगल ऑफ एलिवेशन from object so from observer to the object is same as the angle of depression from the where observe object to the observer samajh rahe ho matlab agar aap object aur observer ya fir object aur aapka jo destination point hai उन दोनों को बीच में अगर compare करोगे तो angle of elevation, angle of depression हमेशा क्या होगा Same आएगा In particular figure.

आई थिंक सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर में वो लोग थियोडलाइट लेके वो मेजर करते हैं सब चीजों को है ना कितना उठा हुआ है ग्राउंड कितना मतलब कितना नीचे है ये सब करते हैं एंड सेक्सटेंट लेके तो का नाम लिख सकते हो टू इंस्ट्रूमेंट्स आर जनरली यूज इन मेजरिंग हाइट्स एंड डिस्टेंस दैट इज थियोडोलाइट टी एच ओ एल आई टी थियोडोलाइट लिख देता हूं यहां पर यूज होता है, है ना सेक्सटेन भी यूज होता है ठीक है यूज कर सकते है, हैं अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम किसके बारे में बात करेंगे एप्लीकेशन के बारे में अब हम इसको एक्सप्लोर करते हैं ठीक है थीके? पहला पॉइंट पहला पॉइंट टू फाइंड टू फाइंड द हाइट द हाइट of an इन एक्सेबल टावर ठीक है टू फाइंड द हाइट ऑफ एन इन एक्सेसिबल टावर अब यहां पे आपको कुछ बातें समझना है लेट से ध्यान देते रहना ध्यान देते रहना ठीक है अगर मैं बोलू कि लेट से ये क्या है मेरा ग्राउंड है ठीक है ये क्या है मेरा ग्राउंड है ठीक है यहां पे मैं अगर आपको बोलता हूं कि मेरे पास क्या है एक टावर है मेरे पास क्या है एक टावर है आपको ना इसका हाइट निकालना है आपको इसका क्या निकालना है हाइट निकालना है ठीक है ये क्या है आपका एक पॉइंट है ये क्या है कोई भी एक पॉइंट है है ठीक है? तो मैं टावर को ले लिया लेट्स दिस बी माय पी एंड दिस बी माय क्यू कोई दिक्कत नहीं है इसको मैंने क्या ले लिया पी ले लिया इसको मैंने क्यू ले लिया ठीक है अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स से ये मेरा पॉइंट क्या है ए ठीक है आप क्या करोगे सुनते रहना ध्यान से आप क्या करोगे आप बोलोगे सर एक काम करते हैं कि ये ए पॉइंट है मैं ना सर एक मेजरिंग टेप लेकर आता हूं मैंने बोला यार क्या बात है यार सही है तो सर मैं मेजरिंग टेप लेके आता हूं और ना एक य्यू को मेजर कर लेता हूं ठीक है एक य्यू को मेजर कर लेता हूं लेट से एक यू जो लेंथ है वो मेरा आया दिस स्मॉल ए लेट से स्मॉल ए आया ठीक है एक यू जो लेंथ आया वो क्या आया आपका स्मॉल ए ठीक है डन आपको निकालना क्या है आपको निकालना क्या है आपको निकालना है पी क्यू लेट से दिस बी माई एक्स पी क्यू का वैल्यू कितना है एक्स तो मैं क्या करूंगा देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा इसको यहां से ऐसे ज्वाइन किया इसको यहां से ऐसे किया और ये जो एंगल है दैट आई कैन फाइंड आउट है ना ये क्या है अल्फा ये मैं इंस्ट्रूमेंट यूज करके मैं ये एंगल निकाल सकता हूं है ना ये एंगल हमको हमेशा अवेलेबल रहेगा डोंट वरी इस एंगल को कैलकुलेट करना इज नॉट अ डिफिकल्ट जॉब माय पॉइंट इज कि मान लो ये जो टावर पीक्यू है ये बहुत लंबा टावर है है ना ट्वेंटी पच्चीस माले का बिल्डिंग है तीस माले का बिल्डिंग है लग से ठीक है तो भाई आप टेप लेके क्या टिप से झूलोगे थोड़ी है ना ऐसा तो काम नहीं करोगे ना लेकिन आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो ना मैं मान लो बिल्डिंग से बीस मीटर की दूरी पर मैंने डिस्टेंस निकाल लिया और मैं इंस्ट्रूमेंट यूज करके मैं एंगल भी निकाल लूंगा है ना तो अब मेरे को अल्फा मिल गया मेरे को ए मिल गया मैं क्या करूंगा देखो टेन अल्फा टेन अल्फा ठीक है टेन अल्फा कितना हो जाएगा मेरा x by a एक्स बाय देस टू कितना आ जाएगा a टेन अल्फा ठीक है

अगर मैं आपको बोल देता कि लेट्स से ये क्या है एक रिवर है लेट्स से ये क्या है आपका रिवर है ठीक है अब आप रिवर है ये और लच से वहां पे कोई बोट वोट कुछ भी नहीं है तो भाई आप ए से लेके क्यू तक तो कैसे मेजर करोगे आप एट मैक्स ए से लेके इस पॉइंट तक मेजर कर सकते हो आप यहां से यहां तक, तक तो मेजर नहीं कर पाओगे ना समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात तो ये टावर अब क्या हो गया आपके लिए इनऐसेबल ये टावर क्या हो गया आपके लिए इनऐसेबल तो अगर ये टावर आपके लिए इन असेसेबल हो गया इन दैट केस यू नीड टू अप्लाई सम अदर कंसेप्ट तो अब आप क्या करोगे देखो अब आप करोगे थोड़ा सा चेंजेस इसमें ये मैं हटा देता हूं आपने नोट कर लिया होगा तो मैं इसको हटा देता हूं अभी ठीक है मैं इसको हटा देता हूं मैं इस ए को भी हटा देता हूं ठीक है अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूं ठीक है इसको बड़ा करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं चलो ठीक है ये मेरा क्या हो गया बड़ा हो गया ठीक है क्लियर हो गया अब अगर मैं बोलू आपको कि लेट से लेट से ये जो मेरा पॉइंट है इसको मैंने बोल दिया लेट से बी और ये जो बी है सीधा बन। हाँ, ये जो बी है और ये लेट से आपका बीटा एंगल बनाता है ये क्या बनाता है आपका बीटा एंगल ठीक है तो अब आप क्या करोगे अब आप क्या करोगे अब आप ये तो क्लियरली निकाल सकते हो दिस वन यू कैन इजिली फाइंड ना लेट से दिस बी माई ए है ना क्योंकि भाई रिवर तो यहां पे है ना रिवर क्या है आपका इस जगह पे है आप ए से लेके बी तक तो काउंट कर ही सकते हो और जरूरी नहीं, नहीं है कि बी यहीं पर बी कहीं पे भी हो सकता है बी यहाँ पे भी हो सकता है बी यहाँ पे, पे भी हो सकता है बी इधर भी हो सकता है कहीं पे भी हो सकता है फर्क नहीं पड़ता है ऐसा मत मान लेना कि सर ये रिवर के एकदम एज पे होना जरूरी है क्या अरे नहीं जरूरी है आप बी कहीं पे भी ले लो ठीक है मेरा ऑब्जेक्टिव स्टिल क्या है टू कैलकुलेट एक्स मेरा ऑब्जेक्टिव स्टिल क्या है टू कैलकुलेट एक्स तो देखो मैं अगर कि देखो इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल पीबी क्यू पी बी क्यू है ना पीबी क्यू क्या बोल सकता हूं मैं साइन बीटा है ना साइन बीटा है ना मेरे को अल्फा भी पता है मुझे बीटा भी पता है बीटा कैसे निकला इंस्ट्रूमेंट का हेल्प लेके बीटा निकल गया ठीक है तो साइन बीटा कितना आ जाएगा देखो एक्स बाय पीबी एक्स बाय पीबी ठीक है तो देर फॉर एक्स कितना आ गया पीबी साइन बीटा ठीक है यह आ गया एक्स पीबी साइन बीटा अब जैसे जैसी एक्सप्रेशन हमको मिल गया बीटा तो हमको पता है तो साइन बीटा हम निकाल लेंगे बचा क्या आपके पास में पीबी पीबी कैसे कैलकुलेट करोगे है ना बचा आपके पास में क्या भी, भी. तो भी कैसे कैलकुलेट करोगे अगर मैं मैं की, की, की बात करूं कैसे निकालूंगा देखते रहो ध्यान से ठीक है अगर मैं आपको बोलू यहां पे है ना अगर मैं आपको बोलू ध्यान से देखते रहना है बस ठीक है अगर मैं आपको बोलू कि देखो है ना ध्यान से देखो अगर मैं आपको बोलू कि बीपी क्यू कितना है एंगल बी Q, है ना तो आप क्या बोलोगे बीपी क्यू बोलो कितना है तो आप बोलोगे सर 90 degree minus alpha. अगर मैं आपको कि एंगल A, P, है देयर फॉर एंगल ए पी बी टू हाउ मच तो आप बोलोगे कि सर एंगल पी क्यू से हम लोग एंगल पी क्यू को हटा देते हैं ठीक है तो आपको क्या मिल जाएगा देखो आपको मिल जाएगा इंटी डिग्री माइनस अल्फा माइनस नाइनटी डिग्री प्लस बीटा तो आपको क्या मिल जाएगा बीटा माइनस अल्फा ये किसका वैल्यू है एंगल एपीबी का वैल्यू है एंगल एपीबी का वैल्यू कितना आ गया बीटा माइनस अल्फा ठीक है अगर ये बीटा माइनस अल्फा आया तो इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल एपीबी हम लोग तो क्या यूज करेंगे यूज साइन रूल यूज साइन रूल है ना यूज साइन रूल अगर हम लोग साइन रूल यूज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं देखो मैं लिख सकता हूं ना ए बाय साइन ऑफ एंगल वाट एपीवी ए पी बी ठीक है दट इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं देखो पी बी बाय पीबी बाय क्या लिख सकता हूं साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा तो दे आर फॉर पी वी कितना हो गया मेरा पी वी कितना हो गया देखो पीबी इज इक्वल टू ए साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एपीबी एंगल कितना है एपीबी बीटा माइनस अल्फा ये हो जाएगा मेरा साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा ठीक है तो पीबी अगर मेरे को ये मिल गया ठीक है पीबी अगर ये मिल गया तो मैं क्या लिख सकता हूँ देखो यहां से है ना देअर फॉर देअर फॉर एक्स इज इक्वल टू है ना यहां से मैं यहां पर गया था ठीक है देअर फॉर एक्स में क्या लिख सकता हूँ पीबी साइन बीटा मतलब एक्स इज इक्वल टू ए साइन बीटा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा ये आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए अभी ठीक है ये आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए क्लियर डन दन दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि मैथमेटिक्स को हम लोग रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं अगर किसी इंसान के पास में ट्रिकोनोमेट्री का आइडिया है और उसके पास अगर रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट है तो वो एक इनअसेसिबल टावर को भी विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स विद द हेल्प ऑफ हिज नॉलेज इन मैथमेटिक्स वो इनसेबल टावर को मेजर कर सकता है लेकिन जिसने आज तक मैथ्स नहीं पढ़ा है अगर आप जाके किसी बस के कंडक्टर जो इतना पढ़ा लिखा नहीं उसको बोलोगे कि भैया यहाँ तो एक हमको ना इस टावर को मेजर करना है तो बोलेगा कैसे करोगे भाई हमको तो नहीं आता है, है ना टावर से लटक जाओ या तो उससे फीता लगा के लटक जाओ है ना एक रस्सी लगा के टावर से लटक जाओ फिर रस्सी को मेजर करो ग्राउंड पे लाके और फिर देख लो तो आपको टावर का लेंथ मिल जाएगा है ना ऐसे थोड़ी करोगे आप गधों की तरह थोड़ी काम करोगे ठीक है तो दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड तो दिस एक्सप्रेशन इज इंपॉर्टेंट अभी आप बोलोगे सर क्या इसको रट्टा मारना है मैं बोलूंगा ठीक है अगर आप याद कर सकते हो तो याद कर लो बट एग्जाम में कभी भी इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा दे विल नेवर आस्क यू दिस दिस क्वेश्चन बिकॉज इज अ जनरलाइज कंसेप्ट किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में जनरलाइज कंसेप्ट क्वेश्चन नहीं आता है इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा है ना आपको रैंडम फिगर दिया जाएगा जहां पर रैंडम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होगा जहां पे आपको रैंडम इन्फॉर्मेशन दिए रहेंगे और उससे आपको क्या करना पड़ेगा चीजों को निकालना होगा ठीक है डन क्लियर हो गया तो मैं इसको हटाता हूं पहला एप्लीकेशन क्या हो गया आपके पास क्लियर हो गया ठीक है तो इनऐसेबल टावर का मतलब यही होता है क्योंकि अगर टावर एक्सेसिबल है तो आप ए बी क्यों कैलकुलेट करोगे आप सीधा ए क्यू कैलकुलेट कर लोगे और सीधा कर दोगे टेन अप्लाई करके उसमें जैसे मैंने पहले दिखाया था बट अगर टावर इनऐसेबल है तो आपको बी पॉइंट लेना पड़ेगा एंड सी इन द एक्सप्रेशन आपने बी पॉइंट कहाँ लिया है कुछ मैटर नहीं करता है मैटर क्या करता है ये एंगल बीटा तो अगर आप बी पॉइंट यहाँ पे लोगे तो भी कोई एंगल मिलेगा उसको भी बीटा बोल दो आप अगर आप बी पॉइंट यहाँ पे लोगे वो भी कोई एक एंगल निकलेगा तो उसको कुछ भी एंगल ले लो जो भी एंगल लोगे वो यहाँ पे आएगा आपका ंगल डिंगल्फा क्लियर हो गया डन ये आपका एक कंसेप्ट हो गया ठीक है लेकिन यहाँ पे एक क्या है? पता है जनरली हम लोग ऐसा नहीं करते हैं जनरली क्या बोला मैंने हम लोग ऐसा नहीं करते क्यों नहीं करते बिकॉज इन ऑर्डर टू अप्लाई दिस कंसेप्ट यू हैव टू मेक श्योर दैट ए बी एंड क्यू दे आर ऑन द सेम प्लेन मतलब ये जो एंटायरलीजर किया ना देव टू बी ऑन द सेम प्लेन है ना अब जब आप थ्री डायमेंशन पढ़ोगे तो आप प्लेन का तो आप करो, अपने के बीच में आप अपने जहाँ पे भी आप के पढ़ाई कर रहे उस में, अगर आप अगर आप कर अगर आप हो उस रूम एक पेज को तो जो पेज है वो एक प्लेन होगा अब उस पेज को आप थोड़ा सा ना ऐसे रोटेट करो तो आपका प्लेन बदल जाएगा पहले मान लो वो ऐसा था अब कैसा हो जाएगा कुछ ऐसा हो जाएगा समझ लो थोड़ा सा ऐसे बैंड समझ में आ रहा है थोड़ा सा ऐसे बैंड हो जाएगा ठीक है पहले ऐसे था अगर आप प्लेन को ऐसे करोगे पेज को ऐसे रखोगे तो पेज ऐसा इस प्लेन में आ जाएगा लाइक वाइज आपको एज्यूम करना है क्या ए पी क्यू जो मेजरमेंट आपने लिया दे सेम प्लेन मतलब ए बी और क्यू द सेम लाइन होना पड़ेगा अगर आप ए से ऐसा सीधा देखोगे ना ए से तो आपको क्यू पॉइंट नहीं दिखना चाहिए है ना तो उतना एक्यूरेसी के साथ आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा लेकिन लेट्स से अगर आप ऐसा नहीं करते तो क्या आप नहीं निकाल पाओगे क्या बोला मैंने अगर आप ऐसा नहीं करते तो क्या नहीं निकाल पाओगे चेक करते हैं आ जाओ ठीक है मैं सेम निकालूंगा मैं सेम हाइट ऑफ द टावर निकालूंगा बट ए और बी नॉट हैव टू बी इन द सेम लाइन देखते हैं कैसे करेंगे ठीक है देखते हैं कैसे करेंगे लेट्स से ये मेरा क्या है टावर है ये मेरा क्या है टावर है इसको मैंने बोल दिया पी इसको मैंने बोल दिया क्यू है ना ये मेरा ग्राउंड था ये मेरा क्या है ग्राउंड है ठीक है ना ये मेरा क्या है ग्राउंड है यहाँ पर मेरा क्या है पॉइंट ए है लेट्स से ये मेरा पॉइंट ए है ठीक है इसको बना दो इस तरीके से ऐसे बना दिया ठीक है अब मैंने क्या किया इसी ग्राउंड में एक दूसरा पॉइंट लिया लेट्स से पी इसको मैंने क्या बोल दिया बी बोल दिया ठीक है मैंने क्या, क्या? A, किया ए बी को ज्वाइन किया ठीक है और पी से मैंने इसको भी ज्वाइन किया बी को पी से मैंने इसको भी ज्वाइन किया ठीक है और यहां पर सिमिलरली एक ये भी होगा ठीक है इस तरीके से होगा अब आपको ध्यान देना है यहां पे इसको विजुलाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना

ये जो लेंथ है ए बी टू हाउ मच ए ठीक है नेक्स्ट आपके पास और क्या अवेलेबल है आपके पास अवेलेबल ये एंगल अल्फा ये एंगल अल्फा ये एंगल बीटा और ये एंगल गामा ये आपके पास क्या है अवेलेबल है डन हो गया क्लियर ये अगर आपके पास अवेलेबल है नाउ व्हाट यू नीड टू फाइंड यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू लेट इट बी एक्स लेट इट बी मैंने क्या बोला एक्स ठीक है

अल्फा कहां पे इन ट्राइंगल पी ए क्यू इन ट्राइंगल पी ए क्यू साइन ऑफ अल्फा कितना है साइन ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल्स टू तो देयर फॉर एपी साइन अल्फा ये आ गया आपका ठीक है तो आपको देखो अल्फा पता है तो आप साइन अल्फा निकाल लोगे आपको क्या निकालना है एपी निकालना है, है ना एपी आपको निकालना है अब आप एपी कैसे निकालोगे देखो ध्यान से एंगल ए पी बी डेट इज इक्वल्स टू वन एटी डिग्री माइनस देखो गामा प्लस बीटा होगा गामा प्लस बीटा होगा ठीक है तो अगर मैं बोलूं कि इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए पी बी ठीक है यूज साइन रूल यूज साइन रूल और एक बात का ध्यान रखना दिस आर ऑल हैपनिंग इन थ्री डायमेंशन ना ये किसमें है थ्री डी में है ये किसमें है आपका थ्री डी में है ठीक है पहले क्या था हम लोग का सब टू में था अभी किस में है आपका थ्री में है ठीक है जब एक ही फिगर में मल्टीपल प्लेन्स होंगे तो वो थ्री में कन्वर्ट हो जाता है और जब आप एक ही प्लेन की बात करते हो तो आप टू की बात करते हो ठीक है अब ये थ्री डी टू डी सब पढ़ोगे आप लोग कोर्डनेट जियोमेट्री पढ़ोगे जहां पर टू की बात होगी थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री पढ़ोगे जहां पे आपकी थ्री की बात होगी है ना तो सब आगे पढ़ने वाले हो डोंट वरी ठीक है अब अगर मैं बोलूँ इन दिस ट्राइंगल इन दिस ट्राइंगल है ना एपीवी अगर मैं आपको बोलूँगी देखो बाय ए बाय साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस गामा प्लस बीटा ठीक है दैट इज इक्वल टू पीबी बाय पीबी बाय साइन बीटा पी बी बाय साइन बीटा तो देर फॉर पी बी कितना हो जाएगा भाई पी बी हो जाएगा आपका ए साइन बीटा डिवाइड बाय साइन 180 एट्टी माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा मतलब साइन ऑफ गामा प्लस बीटा है ना ये पीबी आ गया ठीक है अगर ये पीबी आ गया मेरा है ना ये किसका वैल्यू आया पीवी का वैल्यू आया है ना सॉरी एक काम करता हूं मैं पीवी नहीं लेके पीवी नहीं लेके एपी लेता हूँ ना मैं एपी विल भी ज्यादा बेटर मैं इसको एपी लेता ठीक है अगर मैं इसको एपी लूंगा अगर ये मैं एपी लूंगा तो ये कितना आ जाएगा आपका साइन ऑफ गामा है ना तो ये कितना आ जाएगा आपका देखो ए साइन गामा है ना ये कितना आ जाएगा a साइन गामा डिवाइड बाय साइन गामा प्लस बीटा साइन गामा प्लस बीटा ये आ जाएगा ठीक है अब अगर मैं बोलूं और ये कितना होगा आपका दिस वन विल बी हाउ मच ए पी दिस वन विल बी ए पी क्लियर हो गया अब अगर मैं यहां पे पुट करना चाहूं अगर मैं यहां पर पुट करना चाहूं ठीक है तो देयर फॉर एक्स कितना हो जाएगा देखो ए पी मतलब ए साइन अल्फा साइन गामा साइन अल्फा साइन गामा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा प्लस गामा ये हो जाएगा एक्स पहले क्या आया था ए साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन बीटा माइनस अल्फा आया था अब बदल गया ए साइन अल्फा साइन गामा बाय साइन बीटा प्लस गामा ये सब फॉर्मूला याद मत करो यार ये सब फॉर्मूला याद मत करो मेरा पॉइंट यहाँ पे आपको याद करवाना नहीं था है ना घड़ी टाइट कर रहा हूं थोड़ा तो टाइट लग रहा है ठीक है मेरा यहां पे क्या था आपका पॉइंट जो था आपको याद करवाना नहीं था मेरा पॉइंट ये था कि आप समझो कि रियल लाइफ में ये प्रॉब्लम्स होंगी तो आप कैसे डील करोगे आर ऑल रियल 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 दिस 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 इज इज द द बेस्ट सिचुएशन टू अंडरस्टैंड एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन लाइफ लाइफ राइट आप में कैसे मैथ्स को यूज करते हो पे आंखों के सामने देख पा रहे हो कि जो आपने ट्रिगोनामेट्री में सीखा उससे आप क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हो देखो तो इसी तरीके से हर चैप्टर का एप्लीकेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स ऑफ रियल लाइफ में जिसको आपको समझना पड़ता है और तब जाके आपका मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप होता है अदरवाइज फिर वही बन के रह जाता है वो मैथ्स में आप क्वेश्चन सोल्व कर लेते हो लेकिन समझ में नहीं आता मैथ्स पढ़ ना विदाउट मैथ्स लाइफ का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा सब सब खत्म खत्म हो 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 जाएगा Physics, हो जाएगा आपका फिजिक्स केमिस्ट्री विदाउट मैथ्स समझ रहे तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स क्लियर मैथ्स से आप एक नंबर को हटा दो ना बस दे आर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ नंबर देर आर इनफाइनाइट नंबर उसमें से किसी एक नंबर को हटा दो किसी भी एक नंबर को हटा दो पूरा मैथ्स खत्म हो जाएगा आपका समझ रहे हो तो इतना इनफाइनाइट लोग कहते हैं ना जब कोई चीज ज्यादा हो जाता है उसका वैल्यू कम जाता है।, है।, मतलब तो है कि आप काउंट ही नहीं कर सकते हो बट फिर भी, seat, है ना हर नंबर का उतना ही इच्छ है जितना वन का टू का थ्री का उतना नाइन 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 का उतना है का, उतना ही टेन थाउजेंड का है उतना ही फाइव नाइन 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 का है समझ रहे हो दैट इज द ब्यूटी ओके तो दिस इज डन पहला एप्लीकेशन क्या देखिए टू फाइंड द वट टू फाइंड द हाइट ऑफ अ इन एसेबल टावर है ना इन एसेबल टावर ओके चलो अब नेक्स्ट बढ़ते क्या है टू फाइंड दू फाइंड द डिस्टेंस बिट्वीन टू ठीक है टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं आप पे खड़े हो आप एक कोई सोसाइटी में रहते हो आप जमीन पे खड़े हो आपको दो बिल्डिंग का टॉप दिख रहा है इसको बोल देता हूं पी और इसको मैं लत से बोल देता हूं क्यू है ना और आपको क्या करना है पता है ये मैं इसको बोल दिया क्यू है ना इसको मैं बोल दिया क्यू इसको मैं बोल दिया पी ठीक है आपने क्या किया आपने क्या किया आपको क्या निकालना है ये पी क्यू निकालना है लेट से पी क्यू का क्या बोल दिया X, है ना आपको क्या निकालना है पी क्यू निकालना है ठीक है ये क्या है आपका ग्राउंड है 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 से दिस बी माय ग्राउंड ना ये जो है मेरा क्या है आपका ग्राउंड है ये आपका क्या है ग्राउंड है सी दिस इज माय ग्राउंड है ना दिस इज माय ग्राउंड इसको मैंने क्या कर दिया आपका ग्राउंड ले लिया ठीक है अब आप क्या करोगे ध्यान से सुनते रहना है आपको निकालना क्या है ये P और Q ये कोई टावर है अलग से दिस इज माइक एनी टावर है ना ये एक टावर है मैं दिखा है नीचे वाला पार्ट ये टावर है जिसका आपको डिस्टेंस निकालना अब देखो हाँ, P और Q आपको बिल्डिंग का तो टॉप दिख रहा है है ना P और Q क्या दिख रहा है आपको दो बिल्डिंग का टॉप दिख रहा है अब आप बिल्डिंग का टॉप हवा में है ना भाई वो तो हवा में है आप कैसे निकालोगे उसका डिस्टेंस आप दो बिल्डिंग है मान लो एक चार माले का बिल्डिंग है और दूसरा छठे माले का बिल्डिंग है आप दोनों बिल्डिंग का टॉप तो देख रहे हो अच्छा ठीक है एक वहां पर है एक वहां पर है आपको दोनों का डिस्टेंस निकालना है आप एकदम उनके नीचे खड़े हो एकदम नीचे खड़े हो और आपके सर के ऊपर आपको दिख रहा है एक वो वहां पे दिख रहा है और दूसरा है वहां पे दिख रहा है लेकिन आप हवा में उड़ के थोड़ी उसका मेजर कर लोगे ना हवा में थोड़ी मेजर करोगे तो आपके पास क्या ऑप्शन बचा आपके पास ऑप्शन बचा आप मैथ्स का यूज करोगे कैसे देखो आप क्या करोगे ना ग्राउंड पे एक पॉइंट लो यहां पे यहां पे एक पॉइंट लो ठीक है ये एंगल आपने मेजर किया यहां से यहां तक ये एंगल आपने मेजर किया लेट्स इसको मैंने ए बोल दिया और ये एंगल जो आया ये आपका अल्फा आया ठीक है फिर आपने क्या किया देखो फिर आपने क्या किया फिर आपने यहां से यहां तक मेजर किया ये टेढ़ा हो जाता है हमेशा है ना यहां से यहां तक मेजर किया ये एंगल जो आया कितना आ गया से बीटा आ गया है ना ये एंगल कितना आ गया आपका से बीटा और ये एंगल सब मेजर कर सकते इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से ठीक है सिमिलरली आप क्या किया आपने क्या किया यहां से एक आपने बी लिया ठीक है क्लियर हो गया आपने इसको यहां से यहां तक ज्वाइन किया इसको यहां से यहां तक ज्वाइन किया और इसको यहां से यहां तक ज्वाइन किया क्लियर यह आपका कितना हो गया अल्फा ये कितना हो गया बीटा डन लेट से ये एंगल जो है मेरा ये एंगल जो है मेरा लेट से दिस बी माय गामा एंड दिस एंगल बी माय व्हाट डेल्टा दिस एंगल बी माय डेल्टा क्लियर हो गया अब आप क्या करोगे इसमें दैट इज इंपॉर्टेंट है ना कि अब आप आगे क्या करोगे दैट विल बी इंपॉर्टेंट ठीक है आपको चाहिए क्या आपको चाहिए क्या ये देखो आपको निकालना है x आपको तो निकालना है भाई x अगर x निकालना है तो इन दैट केस व्हाट यू आर गोइंग टू डू दैट विल बी इंपॉर्टेंट देखो आपके पास अवेलेबल क्या रहेगा आपके पास अवेलेबल क्या रहेगा ए और बी तो ग्राउंड में है तो आपके पास अवेलेबल रहेगा दिस डिस्टेंस ए ये आप मेजर कर सकते हो आराम से विद द हेल्प ऑफ़ अ मेजरिंग टेप क्योंकि पे तो भाई आप मेजरिंग टेप फैला सकते हो ना तो आप वो मेजर कर सकते हो ठीक है अगर मैं बोलूं कि मुझे पीक्यू चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूं देखो मैं क्या लिख सकता हूं देखो ठीक है कॉस्ट ऑफ इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए पी क्यू ठीक है कॉस्ट ऑफ एंगल पी ए क्यू दैट इज इक्वल टू एपी स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्ट एक्स मैं क्या ले सकता हूं स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज एपी स्क्वायर प्लस एक यू स्क्वायर है ना माइनस टू एपी इंटू कॉस ऑफ कॉस ऑफ क्या आएगा देखो एंगल पी ए क्यू कितना है एंगल पी ए क्यू अल्फा माइनस बीटा तो मैं लिखूंगा ऑफ अल्फा माइनस बीटा ठीक है यह गया यही तो आपको निकालना था ना यही तो आपको क्या था निकालना था तो इसको आप कैसे निकालोगे है ना इसको आप कैसे निकालोगे इसको निकालने के लिए देखो आपको क्या चाहिए अल्फा आपको पता रहेगा बीटा आपको पता रहेगा तो ये कॉस्ट अल्फा माइनस बीटा आप निकाल लोगे नेक्स्ट आपको क्या निकालना होगा आपको नेक्स्ट निकालना होगा एपी स्क्वायर ए क्यू स्क् एपी और आपको क्या क्या चाहिए आपको एपी चाहिए एक आपको क्या चाहिए एपी चाहिए और ए क्यू चाहिए ठीक है अब एपीएच्यू कैसे निकालोगे आप देखो एपीएच यू कैसे निकालोगे अगर मैं आपको बोलूं अगर मैं आपको कि देखो इन ट्रायंगल इसको मैं इक्वेशन वन बोल देता हूं ठीक है इक्वेशन वन ठीक है इन ट्राइंगल ए पी बी ए पी बी ठीक है एपी बाय साइनगामा एपी बाय गामा

अल्फा प्लस गामा ठीक है तो ये कितना हो जाएगा ए साइन गामा डिवाइडेड बाय हाउ मच साइन ऑफ अल्फा प्लस गामा है ना ये हो जाएगा आपके पास में अरे भाई एपीबी में ये एंगल एंगल ए और एंगल बी कितना होता है 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस गामा हो जाएगा है ना माइनस अल्फा प्लस गामा हो जाएगा ये आपका आ गया बी ठीक है अगर मैं आपको बोलूं कि देखो इन ट्राइंगल

ए क्यू भी कितना हो जाएगा वन एट्टी माइनस वन एट्टी माइनस बीटा प्लस डेल्टा बीटा प्लस डेल्टा तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ बीटा प्लस डेल्टा क्लियर हो गया साइन ऑफ बीटा प्लस डेल्टा हो जाएगा ठीक है अगर ये साइन ऑफ बीटा प्लस डेल्टा हो गया तो मुझे क्या क्या मिल गया देखो मुझे आपका मिल गया यहाँ पे क्या मुझे यहाँ पे ए पी मिल गया मुझे यहाँ पे क्या मिल गया ए क्यू मिल गया क्यों क्योंकि ए नोन है गामा नोन है अल्फा गामा नोन है ए नोन है डेल्टा नोन है बीटा भी नोन है सब नोन है ना अगर सब नोन है तो मुझे AP मिल गया और मुझे क्या मिल गया आपका AQ मिल गया अगर एपी और एक मिल गया तो आप यहाँ पे पुट करो एपी का वैल्यू पुट करो AQ का वैल्यू पुट करो ये तो आपको ऑलरेडी नोन था यहाँ पे पुट करो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स दैट मीन आपने फाइनली क्या निकाल दिया आपने डिस्टेंस बिटवीन दिस टू इनएक्सेसिबल पॉइंट्स निकाल दिया तो अभी तक आपने क्या क्या देखा हाइट ऑफ एन इसेबल टावर निकाल लिया आपने फिर ये निकाल लिया इस तरीके से ढेर सारे एप्लीकेशन है ना इसी तरीके से इन न्यूमरस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे मैंने आपको बस दो बेसिक एग्जाम्पल करा अगर मैं चाहूं तो इस तरीके के मैं आपको पचास तरीके का क्वेश्चन करवा सकता हूं बट दो आर बेसिकली वट क्वेश्चन तो ये जो टॉपिक है इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वही रियल लाइफ एप्लीकेशन होते हैं सारे सारे क्वेश्चन आपको लगेंगे कि रियल लाइफ एप्लीकेशन है ठीक है तो इसपे इसलिए इतना ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा अब हम लोग सीधा मूव करेंगे किस पे क्वेश्चन सॉल्विंग पे जो हमारे प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं हम लोग वो सब देखेंगे एंड वी विल सॉल्व दिस टॉपिक ठीक है वी विल फिनिश दिस टॉपिक ठीक है तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सब कुछ है ना तो आपको अभी तक समझ में आ गया कि आप किसका किसका ज्यादा यूज करोगे साइन रूल यूज होता है

क्वेश्चन ऑन हाइट्स एंड डिस्टेंस ठीक है। चलो अब हम लोग इस पर सॉल्व करते देखो हाइट्स एंड डिस्टेंस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ओके okay? पहला क्वेश्चन हमारा क्या है देखो ध्यान से देखना आपको पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे है ना टू फ्लैग स्टॉप स्टैंड ऑन ऑनराइजेंटल प्लेन ठीक है दो फ्लैग स्टॉप है दो फ्लैग स्टॉप है जो हराइजेंटल प्लेन पे स्टैंड करते हैं ओके ए एंड बी आर टू पॉइंट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर फीट एंड बिटवीन देम ए और बी दो पॉइंट्स है जो उन दोनों के बीच में लाई करता है है ना तो आपको जब क्वेश्चन आप इस टॉपिक पे जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना फिगर को आपको विजुलाइज करना है। इस टॉपिक में बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट होता है आप फिगर कैसे करते हो एक बार अगर आप फिगर ड्रॉ कर लिए उसके बाद सॉल्यूशन पक्का निकलेगा मतलब नाइनटी चांस है कि आपका सोल्यूशन निकलेगा एक बार अगर आपने फिगर ड्रॉ कर लिया तो ठीक है तो ए एंड बी आर टू पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग फीट एंड बिटवीन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लेक्ट एज सीन फ्रॉम ए आर थर्टी डिग्री डिग्री

तो डेफिनेटली जो नजदीक में होगा उसका एंगल आपको ज्यादा दिखेगा तो ये हो जाएगा आपका सिक्सटी डिग्री ये हो जाएगा सिक्सटी डिग्री और जो दूर पे होता है वो एंगल छोटा रहेगा है ना तो ये कितना हो जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन बन ठीक है अरे भाई स्ट्रेट लाइन बनो बड़ा झमेला है ठीक है हो गया ये बन गया आपका कितना थर्टी डिग्री ये थर्टी डिग्री ठीक है सिमिलरली आपके पास में क्या है आपके पास में एक पॉइंट बी है आपके पास में क्या है एक पॉइंट यहाँ पे लत से मैं बी ले लेता हूँ ले तो वो सिक्सटी डिग्री एंड फोर्टी फाइव डिग्री जो सामने है वो ज्यादा मेक करेगा तो इसको मैं बोल दिया सिक्सटी डिग्री ठीक है और जो दूर में है वो कम मेक करेगा तो इसको मैं क्या बोल दिया आपका देखो फोर्टी फाइव डिग्री

है ना अगर मैं आपको बोलूं कि देखो लेट्स से दिस बी माय एक्स दिस बी माय एक्स एंड दिस बी माय वाई है ना मैंने ले लिया अपने हिसाब से है ना अगर मैं बात करूं उसको मैं क्या ले सकता हूं देखो ए क्यू को मैं क्या ले सकता हूं एक्स कॉट 60 डिग्री देखो ए क्यू इज इक्वल्स टू एक्स कॉट 60 डिग्री तो ए क्यू को मैं क्या ले सकता हूं देखो है ना कॉट सिक्सटी कितना हो जाएगा X, X, तो डिग्री कॉट सिक्सटी डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा X रूट 3. का वैल्यू आ गया है ना ए क्यू का वैल्यू आ गया कितना एक्स रूट थ्री चलो ठीक है भाई एक्स बाय रूट थ्री आ गया ओके अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं नेक्स्ट बात करूं कि बीक्यू कितना होगा बीक्यू बीक्यू आपका कितना हो जाएगा बीक्यू आपका हो जाएगा

तो एस कितना हो जाएगा आपको देखो एस एस कैन बी रिटर्न थर्टी डिग्री थर्टी डिग्री रूट थ्री वाई ये चारों वैल्यू हमने निकाल है ठीक ये चारों वैल्यू हमने क्या किए निकाल लिए ओके अब हम क्या करते हैं देखो अब हम क्या करते हैं अगर मैं आपको बोलूं कि BQ कितना है देखो BQ है ना BQ इज इक्वल टू BQ इज इक्वल टू है ना

रूट थ्री माइनस वन बाय रूट थ्री एक्स कितना हो जाएगा थर्टी रूट थ्री बाय रूट थ्री माइनस वन ये एक्स का वैल्यू आएगा इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं रेशनलाइज अगर कर दूंगा मैं तो रूट थ्री प्लस वन लिखूंगा और नीचे टू आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका फिफ्टीन और रूट थ्री प्लस वन कितना हो जाएगा थ्री प्लस रूट थ्री थ्री प्लस रूट थ्री ये आ गया एक्स का वैल्यू है ना ये कितना आ गया आपका एक्स का वैल्यू एक्स को आप क्या बोले थे? BQ बोले थे आपको क्या मिल गया बीक्यू है ना आपको क्या मिल गया BQ. BQ का का वैल्यू वैल्यू कितना कितना आया आया देखो BQ का आपके पास ये 15. 15, आ गया आपके पास ठीक है अगर आप बी एस निकाल लेते हो तो आपका काम खत्म अगर आप बी एस निकाल लेते हो तो आपका काम खत्म तो हो गया बस बी एस तो आपको निकालना है ठीक है अगर मैं बोलू कि बी एस कैसे निकालोगे देखो उसको मैं हटा देता हूँ है ना

रूट थ्री तो ये कितना हो जाएगा वाई थ्री माइनस वन बाय रूट थ्री तो आप कितना बोल सकते हो वाई टू हाउ मच फिफ्टीन रूट थ्री फिफ्टीन रूट थ्री ये आपका आ गया वाई है ना तो बी एस कितना आपका फाइनली बी एस कितना वाई बाय रूट थ्री मतलब बी एस कितना आ जाएगा देयर फॉर बी एस कितना 3, तो BS आ जाएगा आपका देखो वाई बाई रूट थ्री वाई फिफ्टीन रूट थ्री है तो बी एस आ जाएगा आपका फिफ्टीन बी एस आ जाएगा फिफ्टीन ठीक है आपको चाहिए क्या था आपको चाहिए था क्यू एस

आपको बस एक चीज में ध्यान रखना है कि जब पॉइंट को आप सामने लेते हो पॉइंट को जब आप सामने लेते हो तो जो बड़ा वाला एंगल होता है उसके में निकालता है बट इट्स नॉट नेसेसरी बिकॉज अगर इसका हाइट बहुत ज्यादा है अगर इसका हाइट बहुत ज्यादा है तो, तो डेफिनेटली ये इसके साथ में ज्यादा एंगल बनाएगा ठीक है बट इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड आप एंगल जैसे भी लो यू लैंड ऑन द सेम आंसर द पॉइंट इज आप एंगल्स को जैसे भी लो यू लैंड ऑन द सेम आंसर एज लॉन्ग एज यू फॉलो द क्वेश्चन है ना एज लॉन्ग एज यू फॉलो द क्वेश्चन यू विल गेट द सेम आंसर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है ठीक है डन हो गया क्लियर हो गया

क्योंकि आपको नहीं पता कि इसका हाइट कितना मान लो आप आपने मान लिया कि इसका हाइट बहुत ज्यादा है है ना अगर बहुत ज्यादा तो आपको लगेगा कि 60 डिग्री यहाँ पे होना चाहिए और 30 डिग्री यहाँ पे होना चाहिए इन दैट केस इट विल क्रिएट कंफ्यूजन है ना तो इसीलिए क्वेश्चन में स्पेसिफिक नहीं है ऑल्दो मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हाइट लिया है बट वट यू विल डू आप दोनों को सेमी हाइट लो और जब दोनों सेम हाइट होगा देन इट इज एप्लीकेबल अगर दो सेम हाइट है अगर मैं बोल देता हूँ इसको मैं मिटा दू इसको मिटा दू आंसर तो निकाल चुके हैं ठीक है अगर मैं आपको बोल दूं कि लेट्स से ये मेरा ग्राउंड है ये मेरा एक टावर ए बी है और ये मेरा एक टावर क्या है आपका सी डी है और दोनों का हाइट क्या है सेम है अगर दोनों का हाइट सेम है है तो अगर अगर मैं बोलूं कि ये जो A है, अगर ये जो पॉइंट ए इसके नजदीक है तो ये जो एंगल होगा लेट्स से ये अल्फा है और ये जो है एंगल होगा प्रोजेक्टाइल हो गया ये तो है ना ये जो एंगल हो गया जो बीटा है अल्फा हमेशा बीटा से बड़ा होगा अगर दोनों हाइट सेम है कब तक अल्फा बीटा से बड़ा होगा जब तक ये पॉइंट अगर ये लेट्स से मिड पॉइंट है पी ये क्या है आपका मिड पॉइंट पी है ठीक है ये क्या है आपका मिड पॉइंट पी है ठीक और ये और ये सेम है ठीक है मैंने क्या बोला तब तक अल्फा बीटा से बड़ा होगा जब तक जब तक अल्फा पी के लेफ्ट साइड में आएगा जैसे ही अल्फा पी पे लाई करेगा दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा समझ गया ना ये कब तक एप्लीकेबल है तभी तक एप्लीकेबल है जब अल्फा क्या है अल्फा इज ऑन इज ऑन लेफ्ट ऑफ पी अल्फा जब तक पी के लेफ्ट पे है ये उल्टा हो जाएगा कब जब अल्फा पी के राइट पे चला जाएगा इक्वल कब होगा जब अल्फा पी पे ही लाई करेगा ये तो बेसिक फंडा बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक है।, है तो इस चीजों का आपको ध्यान रखना है चीजों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करोगे गलत आएगा ही नहीं आएगा जेडब्ल्यू मेन्स एडवांस कुछ भी एडवांस में तो क्या नहीं पूछते हैं मेन में ही पूछते हैं आपका कभी भी गलत आंसर नहीं आएगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग है ना नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ठीक है अब यहां पे क्या दिया गया देखो ठीक है एक क्यूबिकल हॉल है एबीसीडी पी क्यू आर एस ओके क्यूब है मतलब बेसिकली जो भी आता है ठीक है डन हो गया यहां पे मैंने क्या कर दिया एक आपका फिगर ड्रॉ कर लिया ठीक है अगर फिगर ड्रॉ कर लिया तो मैं काम करता हूँ उसको ऐसे ड्रॉ करता हूं ज्यादा बेटर होगा देखने में है ना मैं बस ये चाहता हूं कि क्यूब जो मैं ड्रॉ करूं आ, उसमें चीजें आपको बेटर तरीके से ध्यान में आए ठीक है और इसको मैं लग से ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ ठीक है अगर मैंने इसको ऐसे ज्वाइन किया चलो ठीक है भाई ऐसे ही कर देते हैं है ना ये मैंने क्या बना दिया एक क्यूब बना दिया ओके अगर मैंने क्यूब इसको बना दिया जैसे ही बनाने बनाओ क्यूब हम लोग ऐसे ही बनाते हैं बचपन में सीखते हो स्कूल में ये क्या है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ठीक है ये ए है ये बी है ये सी है ये डी है ठीक है ये मेरा लेट्स से पी है ये क्यू है दिस इज माय क्यू दिस इज माय आर एंड दिस इज माय एस ठीक है अब आपको क्या दिया गया देखो आपको दिया क्या गया जी इज द सेंटर ऑफ द वॉल बीसीआर है ना बीसीआर के सेंटर में एक पॉइंट है जिसको आपने क्या बोल दिया जी तो यहाँ पे ड्रॉ करो ये भी क्या हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा है ना लेट्स से दिस बी माय व्हाट अब पता नहीं क्या है देखते हैं टी इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी टी इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी है ना मिड पॉइंट है है midpoint है okay. है टी क्या मिड पॉइंट ओके ठीक डन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ जी एट द पॉइंट टी इज है ना एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ जी एट द पॉइंट मतलब आपने इसको द्वाइन किया ठीक है आपने इसको यहाँ पर ज्वाइन कराया ठीक है आपसे पूछा है कि ये एंगल जो अल्फा है वो कितना है आपको ये एंगल अल्फा जो है वो कितना है पूछा गया है ठीक है चलो मैं इसको एक नाम, देता हूं। मैंने इसको एक नाम दे देता हूँ okay? कितना है आपको बोलू सोल्यूशन के बारे में है ना तो मेरा जीपी कितना होगा इक्वल्स टू फाइव मीटर अगर मैं बोलू बीपी कितना होगा तो बीपी भी होगा फाइव मीटर अगर मैं पूछूँ कि टीबी कितना होगा भाई टीबी भी होगा आपका फाइव मीटर है ना तो मैं काम करता हूं मैं काम करता हूं पहले मैं टीपी निकालता हूं ना तो टीपी स्क्वायर कितना हो जाएगा टीपी इज टू अंडर रूट ऑफ टीबी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर दैट इज टू अंडर रूट स्क् टीपी निकल गया मेरा ठीक है अगर मेरे को टीपी निकल गया और जीपी पता है ना एंड जीपी कितना है आपका जीपी कितना है आपका फाइव मीटर ठीक है तो टीजी कितना होगा देयरफॉर टीजी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फाइव रूट टू स्क्वायर फाइव रूट टू स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर तो ये हो जाएगा मेरा कितना ट्वेंटी फाइव फिफ्टी प्लस फाइव स्क्वायर सेवेंटी फाइव अंडर रूट ऑफ सेवेंटी फाइव मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ फाइव अंडर रूट थ्री फाइव अंडर रूट थ्री लिख सकता हूँ ठीक है अब इन ट्राइंगल टी जी पी इन ट्राइंगल टी जी पी क्योंकि मुझे क्या निकालना है अल्फा निकालना है आपको पता है भाई टीजीपी क्या है ट्राइंगल है किसी भी ट्राइंगल में अगर आपको एक एंगल पता है दो साइड पता है आप बाकी सब कुछ निकाल सकते हो किसी भी ट्राइंगल में अगर आपको तीन साइड पता है बाकी सब कुछ निकाल सकते हो किसी भी ट्राइंगल में अगर आपको दो एंगल एक साइड पता है तो भी आप सब कुछ निकाल सकते हो तो टीजीपी में आपको बेसिकली क्या पता है एक एंगल पता है और क्या पता है आपको दो साइड पता है है ना एक एंगल पता है और क्या पता है आपको दो साइड पता है ठीक है अगर आपको दो साइड पता है तो आप कैसे निकालोगे अभी इसमें साइन अल्फा करोगे आप है ना साइन अल्फा कितना हो जाएगा देखो साइन अल्फा है ना और क्लियरली इट्स एन एक्यूट एंगल है ना? आपको क्लियरली फिगर में दिख रहा है इट्स एन एक्यूट एंगल तो जो केस ऑफ एम्बीग्यूटी था उस वो भी आपको स्टडी करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है अगर मैं बोलूंगा कि साइन अल्फा कितना आएगा देखो समझ लो ना कौन सा केस की बात कर रहा हूं जिसमें हम लोगों ने वो सब देखा था कि सी के दो वैल्यू आ सकते थे है ना बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ होगा नहीं क्योंकि ये तो सेम केस ही है ना आपका दो साइड पता है एन एंगल ऑपोजिट टू एनी वन ऑफ दो साइड तो ये उसी केस में पड़ता है बट फिगर जब हमारे सामने क्लियर है तो हम लोग क्यों ढेर सारे केसेस को कंसिडर करें हमको सीधा पता है भाई अल्फा का सीधा एक वैल्यू आएगा साइन अल्फा की अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा देखो जीपी बाई टी जी जीपी बाई टी जी तो ये कितना हो जाएगा जीपी मतलब फाइव टीजी मतलब फाइव मतलब अंडर रूट थ्री तो फाइव फाइव कैंसिल अल्फा कितना हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ वन बाय रूट थ्री है क्या ऑप्शन साइन इनवर्स साइन इनवर्स दिस वन यू विल गेट योर आंसर

कि अगर इसमें आपको मास्टरी करना है तो जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना तो आपके दिमाग में फिगर बनते रहना चाहिए ठीक है अगर एक बार में फिगर बन गया तो बहुत अच्छी बात है कई बार ऐसा होता है कि एक बार में नहीं बनता है सेकंड टाइम में बनता है ठीक है एट इच ऑफ द टू ए एन बी सिक्सटी मीटर अपार्ट ऑन द ग्राउंड ओके ए बी सब्सटैंड एन एंगल एंगल्टी डिग्री एट द फुट ऑफ द टावर इफ एच इज द हाइट ऑफ द टावर देन एच इज टू हाउ मच एच इज द हाइट ऑफ द टावर देन एच इज टू हाउ मच ओके ठीक है आपको बोला गया है कि ए भी क्या है ग्राउंड पे दो पॉइंट है ये ए है ये बी है यहाँ पे कोई एक टावर है यहाँ पे क्यू है ठीक है और, है. और आपको बोला गया है कि देखो ये जो एंगल सब्टेंड करता है यहाँ पे ये जो एंगल सबटेंड करता है ये है आपका थर्टी डिग्री और ये जो एंगल सब्टेंड करता है ये कितना है आपका थर्टी

आपको निकालना क्या है एच निकालना है अब नाउ द पॉइंट इज कैसे निकालोगे इसको हाउ ठीक है तो अगर मैं आपको बोलू ध्यान से देखो यहां पे अगर मैं आपको बोलू कि लेट्स लेट्स से लेट से अगर एबी का वैल्यू कितना दिया गया आपको एबी का वैल्यू भी दिया गया सिक्सटी मीटर ये कितना है सिक्सटी मीटर ठीक है तो अगर मैं आपको बोलू कि देखो, है ना आपको निकालना क्या है एच निकालना है ना ठीक है चलो एच निकालने के लिए Hmm, कितना होगा अगर मैं बात करूं देखो टेन थर्टी डिग्री है ना टेन ऑफ टेन ऑफ थर्टी डिग्री तो कितना हो जाएगा टेन ऑफ थर्टी डिग्री साइन टेन ये तो आपका नाइन्टी डिग्री होगा ऑफ ऑफकोर्स बात है दिस विल बी नाइन्टी डिग्री भले देखने में नहीं लग रहा है बट दिस विल बी हाउ मच नाइन्टी डिग्री देखने में नहीं लग रहा है बट फिगर को इमेजिन करो थ्री तो दैट विल बी नाइनटी डिग्री अगर वो नाइन्टी डिग्री है तो टेन थर्टी डिग्री कितना हो जाएगा एच बायू एच बाई ए क्यू है ना तो देअ फॉर ए क्यू कितना हो जाएगा आपका एच बाय टेन थर्टी मतलब एच रूट थ्री ठीक है सिमिलरली सिमिलरली बीक्यू कितना हो जाएगा बीक्यू कितना हो जाएगा एच रूट थ्री कैसे सिमिलरली सिमिलरली बीक्यू कितना हो जाएगा एच रूट थ्री अब अगर मैं बोलूं आपको कि इन इन ट्राइंगल ए बी क्यू है ना 120 इसको मैं क्या लिख सकता हूं इंप्लाइज दैट cos 120 ट्वेंटी डिग्री मतलब हाउ मच cos ऑफ 120 मतलब माइनस कॉस सिक्सटी डिग्री मतलब -1/2 दिस विल बी -1/2 दिस विल बी कितना हो जाएगा देखो 3h square थ्री एच स्क्वायर प्लस थ्री एच स्क्वायर माइनस स्क्वायर डिवाइडेड इंटू है ना एक मतलब रूट थ्री इंटू थ्री हो जाएगा तो इम्प्लाइज दैट ये टू और टू कैंसिलइनस थ्री एच स्क्वायर इज इक्वल टू हाच सिक्स एच स्क्वायर माइनस थ्री सिक्स डबल जीरो तो इंप्लाइज दैट इंप्लाइज कितना हो जाएगा देखो थ्री सिक्स डबल जीरो प्लस ट्वेंटी कॉमा माइनस ट्वेंटी बट माइनस तो एक्सेप्टेबल तो नहीं है नेगेटिव कैसे हो सकता है हाइट आप नेगेटिव में बोलोगे क्या मैं पूछूंगा आपका हाइट कितना आप बोलोगे सर मेरा हाइट माइनस सिक्स फीट है अरे भाई डज इट मेक एनी सेंस एल तो नेगेटिव वैल्यू तो होगा तो हाइट इज हाउ मच ट्वेंटी मीटर ट्वेंटी हो गया डन कैन सोल्व ऑफ क्वेश्चन है तो so, बस आपको क्या क्या ट्विस्ट देखने को मिल रहा है जनरली आप साइन रूल यूज करोगे जनरली आपको साइन रूल यूज करोगे जनरली आपको फिगर कभी टू डी में देखने को मिलेगा कभी थ्री डी में देखने को मिलेगा जब थ्री डी में देखने को मिलेगा तो आपको विजुलाइजेशन वाला पार्ट अच्छा होना चाहिए और वैसे भी जब आप थ्री डी जोमेट्री पढ़ोगे तो आपका विजुअलाइजेशन वैसे भी अच्छा हो जाएगा डोन्ट वरी ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन है ना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग निकालते देखो लेट अ वर्टिकल टावर ए बी हैज इट्स एंड ए ऑन द लेवल ग्राउंड लेट सी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी ठीक है एक वर्टिकल टावर है ये ग्राउंड है आपका ये आपका वर्टिकल टावर है जिसका ग्राउंड में ए है आपका यहां पे और ये आपका बी है और सी जो है वो आपका क्या है मिडिल पॉइंट है सी आपका मिडिल पॉइंट है ठीक है पॉइंट ऑन द ग्राउंड सच दैट है ना पी क्या है? एक है. P. है ना और ये जो पी है वो कितना है एपी कितना है फोर टाइम्स ऑफ ए बी है एपी कितना है फोर टाइम्स ऑफ ए बी और आपको बोला गया है ये और ये इक्वल है ठीक है ये एंड ये इक्वल है ठीक है आपको पूछा क्या गया है एंगल बीपीसी बीटा गया है तो टेन बीटा कितना होगा ठीक है चलो भाई देखते हैं जो भी दिया गया देखते हैं ठीक है हम इसको ज्वाइन करते हैं पहले तो हम इसको पहले ज्वाइन करते हैं ठीक है फिर हम क्या करते हैं इसको भी ज्वाइन करते हैं फिर हम इसको एक नाम दे देते हैं डी ठीक है हम उसको क्या बोलते हैं लेट्स से एक्स अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है तो ये लेंथ कितना हो गया टू एक्स हो गया अगर ये लेंथ टू एक्स हो गया तो हमको पता है कि देखो ये दोनों क्या है आपका ये दोनों भी क्या है आपका इक्वल है सॉरी दिस पॉइंट इज नॉट नेसेसरी ये नेक्स है दिस पॉइंट इज नॉट रिक्वायर्ड है ना दिस लाइन इज नॉट रिक्वायर्ड ठीक है इवन दिस लाइन इज नॉट रिक्वायर्ड क्यों जरूरत है है ना बस मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो लेंथ है ये जो लेंथ है ये, लेंथ है, ये कितना हो जाएगा फोर एक्स हो जाएगा क्यों फोर एक्स हो जाएगा ध्यान से देखो क्यों फोर एक्स हो जाएगा ध्यान से देखो बिकॉज आपको बोला गया है कि जो ए है वो टू टाइम्स ऑफ ए बी है अगर एपी टू टाइम्स ऑफ ए बी है तो एपी कितना हो जाएगा 2 into 2x दैट इज इक्वल्स टू 4x अब क्या लिखोगे यहां पे 2 into 2x दैट इज इक्वल्स टू 4x ठीक है फिर मैंने यहां से लेके यहां पे जॉइन कर दिया ओके डन क्लियर अब आपको क्या दिया गया है एंगल BPC एंगल BPC आपको दिया गया है बीटा एंगल BPC दिया गया है बीटा ठीक है तो अब आपको निकालना है tan बीटा अब देखो इस इसको आप कैसे अप्रोच करते हैं आप है, है ना देखो फंडा सिंपल सा है फंडा क्या है जब भी आपको एक ऐसा खतरनाक सा ट्राएंगल देखने को मिलेगा तो इन दैट केस जब आपको एक एंगल दिया रहेगा तो आप क्या अप्लाई करते हो कोसाइन रूल यूज करते हो इन जनरल आप कोसाइन रूल यूज करते हो तो कोसाइन रूल यूज करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए ये साइड चाहिए एक्स है चलो भले ही अनोनेब है तो एक्स है ये एंगल आपको दिया गया आपको ये नहीं दिया गया ये नहीं दिया गया बट आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ना ये तो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है तो आप पीसी भी निकाल सकते हो और बीपी भी निकाल सकते हो चलो निकालते हैं हम लोग पीसी और बीपी देखो ध्यान से अगर मैं बोलूं कि पीसी कितना हो जाएगा तो आप बोलोगे पीसी स्क्वायर कितना हो जाएगा आप बोलोगे एक्स स्क्स मतलब ये आपका हो गया PC स्क्वायर ठीक है अगर मैं आपको बात करूं किसके बारे में आ, BP स्क्वायर तो आप कितना बोलोगे ट्वेल्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन एक्स है ना मतलब ट्वेंटी ट्वेंटी एक्स है चलो अब अगर मैं बात करूस बीटा क्यों क्योंकि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में आपको होना पड़ेगा अगर आप कॉस बीटा निकाल लिए तो आप कॉस टू बीटा निकाल लोगे अगर बीटा निकाल लोगे तो वहां से टेन बीटा आएगा क्यों माइनस टेन स्क्र बीटा टेन स्क्वायर बीटा, बीटा, बीटा। याद आ रहा है कि नहीं देखो कॉस बीटा कितना हो जाएगा आपका कॉस बीटा इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर

81 वन बाई माइनस वन इसको मैं कितना ले सकता हूँ देखो टू वन जेड टू एट वन सिक्सटी टू है ना वन सिक्सटी टू वन सिक्सटी टू माइनस एटी फाइव बाई तो ये कितना हो जाएगा देखो वन सिक्सटी टू से 85 चला गया तो आ, 62 हो जाएगा इधर में और 15 हो जाएगा 62 टू प्लस फिफ्टीन कितना होता है 62 टू तो टू और सेवेंटी सेवन सेवेंटी है ना सेवेंटी

टेन स्क्वायर बीटा है ना तो कॉस टू बीटा मेरा कितना आया देखो कॉस टू बीटा मेरा कितना है ध्यान से देखो कैलकुलेशन कुछ गलती नहीं होना चाहिए ठीक है कॉस टू बीटा मेरा कितना है सेवेंटी सेवन बाई एटी फाइव सेवेंटी सेवन बाय एटी फाइव दैट इज इक्वल्स टू लेट्स से वन माइनस टी स्क्वायर बाय वन प्लस स्क्वायर बोल दिया ठीक है तो इम्प्लाइज दैट सेवेंटी सेवन प्लस स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू एटी फाइव माइनस स्क्वायर है ना तो इम्प्लाइज देखिए कितना हो जाएगा देखो

टेन कितना आ गया आपका टेन बीटा टेन इक्वल टू हाउ मच टू तो टू बाकी क्वेश्चन तो बनना ही है उसमें कोई डाउट ही नहीं है क्वेश्चन पक्का बनेगा ठीक है तो यू हैव टू बी केयरफुल इन दैट पर्टिकुलर थिंग ठीक है अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं फिर हम अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करूं ये क्या है देखते आ जाओ ठीक है

एंड दिस बी माय बी एंड दिस बी माय सी ठीक है ये कितना है आपका हंड्रेड मीटर है ये कितना है आपका हंड्रेड मीटर है आपको नेक्स्ट क्या दिया गया है नेक्स्ट दिया गया है कि आपके पास बी जो है एक वर्टिकल टावर है पॉइंट तो बीसी है BC, है ना ये मेरा मिडिल पॉइंट बी हो गया और यहाँ पे आपके पास क्या है एक टावर है है ना लेट्स से इसको मैं क्या बोल दू इसको मैं बोल देता हूँ बी इसको मैं बोल देता हूँ क्यू है ना टावर है जिसका हाइट कितना है लेट्स से एच है जिसका हाइट कितना है एच है आपको पूछा क्या गया आपको पूछा क्या गया इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एट ए एन बी एट एन बी ए में आपका एंगल ऑफ एलिवेशन वैसे निकालोगे ठीक है ये हो गया आपका बेस और इधर से आप इस तरीके से निकालोगे तो उसको मैं हटा देता हूं मैं कलर कुछ और यूज कर लेता हूँ ठीक है ये मेरा एच है दिस इज माई एच एंड दिस इज माई क्यू सॉरी दिस इज माई क्यू है ना और इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ देखो ठीक है ये एंगल मेरा कितना है आपको दिया गया ठीक है क्लियर हो गया आपको दिया गया कॉट इनवर्स 3 थ्री बाय टू एट ए है ना तो इसको मैं अल्फा लेता हूं इसको मैं लेता हूं अल्फा और इसको मैं लेता हूं बीटा ठीक है डन आपको क्या दिया गया ध्यान से देखो आपको दिया गया है अल्फा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ थ्री डू टू

तो हमको मिल गया कॉट अल्फाइज थ्री रूट टू अब अगर मैं आपको बोलूं ध्यान से देखो इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एना अगर मैं बोलूं आपको कि ये तो नाइनटी डिग्री होगा ऑफ कौन सब बात है दिस विल बी नाइन्टी डिग्री दिस विल बी नाइन्टी डिग्री है ना सीधा सब सा सात है नाइन आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा बस मैं बोला थ्री डी फिगर आपको विजुलाइज करना पड़ेगा है ना आपको विजुलाइजेशन पे ही डिपेंड करेगा वो ठीक है अगर मैं बोलूं ए पी क्यू है ना तो टेन अल्फा कितना होगा भाई टेन अल्फा टेन इक्वल टू कितना एच बाय टेन अल्फा ठीक है तो इसी को आप क्या लिख सकते हो एच कॉट अल्फा दी रिटर्न एस थ्री रू टू एच थ्री अंडर a q का वैल्यू आया है ना a q का वैल्यू आया है ठीक है अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि न, क्या लिख सकते हो देखो tan बीटा अगर मैं बोलूं कि tan बीटा कितना देखो ठीक है इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल bpq bpq ठीक है tan बीटा कितना हो जाएगा tan बीटा आएगा आपका नहीं टेन बीटा हम निकाल के क्या करेंगे टेन बीटा हम निकाल के क्या करेंगे है ना मैं तो बस बेनिफिट देख रहा हूँ कि हमको बेनिफिट कहां पे मिलेगा क्योंकि मुझे चाहिए क्या एक क्यू चाहिए एक य्यू चाहिए मुझे ठीक है एक यू अगर मिल गया तो मेरा काम बन गया एक य्यू अगर मिल गया तो मेरा काम बन गया है ना तो एक य्यू निकालने के लिए है ना ये ट्राइंगल जो है ये भी राइट एंगल ट्राइंगल ही है दिस ट्राइंगल इज ऑल्सो राइट एंगल ट्राइंगल तो मैं क्या लिख सकता हूं देखो ए बी स्क्वायर

देअर तो therefore, देयर फोर देयर फोर देखो यहां पे एच कितना आ जाएगा आपका बीक्यू कितना आ जाएगा bq, therefore, BQ कितना आ जाएगा एच कॉट बीटा ठीक है आपको बीटा दिया हुआ क्या है ध्यान से देखते हो आपको बीटा क्या दिया देखो हाँ बीटा ध्यान से देखो बीटा इज इक्वल टू cosec इनवर्स टू रू टू

वैल्यू ऑफ कॉट बीटा है ना तो यह कितना वैल्यू है ना यह बीक्यू का वैल्यू अंडर रूट सेवन इंटू एच ठीक है भाई? Okay. ये आ गया आपका कितना बीक्यू का वैल्यू और ये आ गया आपका कितना एक यू का वैल्यू यह आ गया आपका एक य्यू का वैल्यू ठीक है अगर ये आ गया एक क्यू तो बस वहां पर पुट करो यूल गेट यूर एंसर डेफिनेटली है ना ये कितना हो जाएगा हंड्रेड स्क्वायर हंड्रेड स्क्वायर इज आपका ए क्यू थ्री टू टू एच मतलब कितना मतलब कितना सेवन एच स्क्त सेवन एच स्क्वायर ठीक है तो ट्वेंटी फाइव एच स्क्वायर कितना आ गया? मैं यहां पे लिख देता हूँ ठीक है जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाइट कलर से ठीक है ट्वेंटी फाइव एच स्क्वायर

नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ अनाउंस के बराबर आता है तो आपको क्या मिलता है सोल्यून मिलता है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा भी थ्योरी ऑफ इक्वेशन में अगर स्कूल में पढ़े हो तो ठीक है अगर नहीं पढ़े हो तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन में आपको पढ़ाऊंगा डोंट वरी ठीक है तो बस आपको उसी में ना आपके पास मैं इससे बार बार बोला ना कि फिगर आपके पास होना चाहिए अगर एक बार आपके पास फिगर बन गया तो नाइनटी चांस है कि आपका आंसर आएगा पक्का क्योंकि फिगर बन गया तो आप अप्लाई करोगे कोसाइन रूल साइन रूल अप्लाई करोगे आप आंसर निकाल दोगे दिस दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन ठीक है यू योर आंसर चलो फिर आगे आगे मूव मूव करते करते हैं करते हैं नंबर में क्या है ठीक है नंबर okay? भाई टू वर्टिकल पोल्स ऑफ हाइट ट्वेंटी मीटर एंड एटी मीटर स्टैंड अपार्ट ऑन ए हॉराजेंटल प्लेन ओके मतलब आपको उसके बीच का डिस्टेंस दिया है क्या द हाइट इन मीटर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टॉप ऑफ इच होल टू द फुट ऑफ द द अदर फ्रॉम प्लेन इज ठीक है आपको बोला गया है कि दो वर्टिकल पोल्स है ये ग्राउंड है आपका ठीक है आपके पास एक वर्टिकल पोल है यहाँ पे और लेट्स से दूसरा वर्टिकल पोल है यहाँ पे ठीक है पहला कितना है आपका ट्वेंटी दूसरा एट्टी तो थोड़ा सा मैं वैसे ही बनाता हूँ कि देखने में लगे वैसा चलो ये भाई मेरा ट्वेंटी मीटर हो गया और ये कहा गया मेरा भाई मीटर दिस इज माई मीटर। क्लियर आपको बोला गया है कि आप ना इसको ऐसे ज्वाइन कराए आप ना इसको ऐसे ज्वाइन कराए ठीक है और ये आपका पॉइंट आ गया कितना लत से इसको मैंने बोल दिया ए बी इसको मैंने बोल दिया सी डी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ और इसको मैंने बोल दिया लच से एक्स ठीक है आपको क्या पूछा है पता है ओ एक्स कितना होगा आपको पूछा है इज टू क्वेश्चन मार्क ये आपको एग्जाम में पूछा गया देखो द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो वही है बस है ना ओ एक्स पूछा गया तो इसको आप कैसे करोगे एग्जाम में आपको ऑप्शन दिया गया पंद्रह चौदह सोलह अठारह है ना एक वे तो इसको सॉल्व करने का क्या है आप एग्जाम में क्या करोगे स्केल लेकर जाओ ठीक है स्केल लेकर जाके अगर देखो आपको ये दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं दिया अगर आपको बी और डी के बीच का अगर आपको डिस्टेंस नहीं दिया गया दैट मीन्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसका डिस्टेंस का रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्यों मान लो अगर आप इसको यहां पे ड्रॉ नहीं करते अगर आप यहां पे ड्रॉ करते तो आप देखते ये जो पॉइंट है वो भी शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड में बट ये जो लाइन है ना वो इसमें लाइन करेगा है ना उसका जो इसका जो लोकस है ना इसका लोकस ये है आपका आप आगे पढ़ोगे अभी किसी को लोकस का आइडिया नहीं होगा तो आप देखोगे इसका जो लोकस है ना ये होगा ये जो लाइन है ना ये पॉइंट हमेशा आप ना इसको उधर लेके जाओ या इधर लेके आओ मैंने क्या बोला ये जो सी है आप उसको उधर मूव मूव करो करो या इधर करो? या इधर ए बी को इधर मूव करो या फिर इधर मूव करो या दोनों को मूव करो ये जो पॉइंट है इट विल ऑलवेज मूव इन दिस स्टेट लाइन ये जो पॉइंट है इट विल ऑलवेज मूव इन दिस स्टेट लाइन तभी आपको ये दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं दिया गया बिकॉज दैट इज यूजलेस हेयर है ना तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं फिर इसको इसको सॉल्व करते हैं ठीक है लेट्स से मैं क्या बोलता हूं इसको मैंने बोल दिया स्मॉल ए इसको मैंने बोल दिया स्मॉल बी कोई दिक्कत है नहीं है सर ठीक है इसको मैंने बोल दिया एंगल अल्फा इसको मैंने बोल दिया एंगल बीटा इसको मैंने बोल दिया एंगल बीटा ठीक है अब करना क्या है दैट इज द क्वेश्चन भाई अब करना क्या है चलो ठीक है अगर मैं आपको बोलूं कि इन ट्राइंगल बी सी डी इन ट्राइंगल बी सी डी है ना बी सी डी में अगर मैं बोलूं कि टेन अल्फा कितना होगा भाई टेन ऑफ अल्फा कितना होगा तो आप बोलोगे सर टेन ऑफ अल्फा का वैल्यू आएगा टेन ऑफ अल्फा का वैल्यू आएगा सर सी डी बाई ए प्लस बी सी डी मतलब ट्वेंटी ट्वेंटी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ठीक है और आपको पूछा क्या है आपको पूछा ये हाइट एच दिस हाइट ये जो हाइट है ना ये आपको पूछा है लेट्स से दिस बी एच है ना तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं इंप्लाइज टेन अल्फा को मैं क्या सकता हूं एच बाई एच दैट इज इक्वल्स टू ट्वेंटी बाई ए प्लस बी ठीक है देर फॉर एच कितना हो गया आपका ट्वेंटी ए बायस बी ठीक है अगर मैं नेक्स्ट बात करूं अगर मैं नेक्स्ट बात करूं ठीक है इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल एबीडी एबीडी ठीक है टैन बीटा कितना हो जाएगा भाई टैन बीटा हो जाएगा एटी बाय ए प्लस बी सिमिलरली टैन बीटा को मैं क्या लिख सकता हूं देखो एटी बाय ए एटी बाय क्या लिख सकता हूं ए आ एक सेकंड यहां पे गड़बड़ हुआ क्या कुछ hmm. अल्फा को मैं लिख सकता हूँ कितना टेन अल्फा को वो लिख सकता हूँ सकता हूँ अगर मैं टेन बीटा की बात करूं तो एच बाई बी एच बाई बी एच बाई बी सॉरी एच बाई बी टू एट्टी बाई ए प्लस बी तो इम्प्लाइज दैट एच कितना हो जाएगा एट्टी बी डिड बाई ए प्लस बी ये हो जाएगा एच यहाँ पे एच का वैल्यू ये है यहाँ पे एच का वैल्यू ये है, तो दोनों तो इक्वली होगा अगर हुआ तो है ना अगर एग्जिस्ट करेगा तो दोनों इक्वली होगा तो देयर फॉर देयर फॉर में क्या लिखूंगा देखो ट्वेंटी ए बाई ए प्लस बी ट्वेंटी ए बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू एड बाई ए प्लस बी तो देयर फॉर ए इज इक्वल टू कितना आ गया फोर बी ए का वैल्यू कितना आ गया फोर बी अगर ए का वैल्यू फोर भी आ गया तो लेट्स से मैं इसको इक्वेशन नंबर वन बोल देता हूं और इसको मैं इक्वेशन नंबर टू बोल देता हूं ठीक है अगर ए इज इक्वल टू फोर बी है तो बिठा दो ना मैं यहाँ पे यहां पे बिठा दो फ्रॉम इक्वेशन वन है ना मैं सब मिटा दू क्या ए इज इक्वल टू फोर बी आया ठीक है ए इज इक्वल टू फोर बी आया ओके तो मैं कहां पे कहा जगह ढूंढ लेता हूँ थोड़ा सा यहां पे लिख देता हूं चलो है ना मैं क्या लिख सकता हूं देखो

तो कुछ एरर आ सकता है पॉइंट वन पॉइंट टू का गलत आ सकता है लेकिन यहाँ पे पॉइंट वन पॉइंट टू का गलत आने का मतलब आपको कितना वन सेंटीमीटर से डिफरेंस करा देगा वो ठीक है तो अगर वन पॉइंट सिक्स आया आपका तो आंसर हो जाएगा सिक्सटीन अगर आपका गलत से गलती हो गया एरर हो गया और आपने वन पॉइंट फाइव काउंट किया तो वो आपको दे देगा फिफ्टीन सेंटीमीटर समझ रहे हो ये आपको दे रहा है सिक्सटीन सेंटीमीटर लेकिन जिसने क्वेश्चन को फ्रेम किया है एनटीए जो फ्रेम करता है उसने अच्छे से ध्यान दिया है और उसने ऑप्शन को क्लोज रखा है फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन ताकि अगर कोई स्टूडेंट इस तरीके से सॉल्व भी करता है अगर उससे थोड़ी सी भी गलती हुई अगर वो हंड्रेड परसेंट परफेक्टली ड्रॉ करेगा ही विल गेट वन पॉइंट सिक्सर विल गेट वन पॉइंट सिक्स बट अगर उसे थोड़ा भी गलती हुआ आगे नीचे थोड़ा भी कुछ हुआ तो उसको हो सकता है 1.5 मिल जाए हो सकता है 1.4 मिल जाए इन दैट केस उसका गलती हो जाएगा क्योंकि उसको 15, 14 दोनों ही दिख रहा है लेकिन अगर ऑप्शन के बीच में बड़ा बड़ा गैप होता तो यह प्रॉब्लम नहीं आया होता है ना ऑप्शन के बीच में अगर ज्यादा ज्यादा गैप होता प्रॉब्लम नहीं आया होता और वो बिना सॉल्व किए स्केल पेंसिल से वो आंसर को निकाल लेता तो बस इस तरीके से होता है इंजीनियरिंग जुगाड़ कहते हैं इसको समझ लो विदाउट इवन सॉल्विंग लॉजिकली ये क्वेश्चन आप अपना जुगाड़ लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो डन चलो फिर ठीक है आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन अगर मैं बात करूं यहां पे देखो सॉल्यूशन आपको क्या दिया गया देखो इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम पॉइंट पी ट्वेंटी फाइव मीटर अबोव लेक है ना एक लेक है क्या है आपके पास में लेट से ये क्या है एक लेक है एक पॉइंट है पी एक पॉइंट है जो कितने मीटर पे है ट्वेंटी फाइव मीटर पे है एक पॉइंट पी ठीक है आपके पास क्या है

डन नेक्स्ट आपको क्या पूछा गया एंड द एंगल ऑफ 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 एंड द एंगल रिफ्लेक्शन द क्लाउड इन द लेक है ना तो रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड कहां पे होगा आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना मिरर से ऑब्जेक्ट जितना दूर पर रहेगा इमेज भी आपके उतने ही दूर पे होगा इन केस ऑफ प्लेन मिरर है ना इन केस ऑफ ए प्लेन मिरर तो ये जो लेक है उसी तरीके से काम करेगा भाई इसमें ज्यादा कंसेप्ट तो लगाओगे नहीं तो अगर इसका लेक से ये डिस्टेंस है अगर इसका लेक से ये वाला डिस्टेंस है तो सिमिलरली इतना डिस्टेंस जाएगा और आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा लेट्स से सी डैश मिल जाएगा सी डैश मिल जाएगा सी डैस क्या है उसका इमेज है ठीक है और मैं बोल देता हूँ लेट्स से दिस पॉइंट बी माय डी दिस पॉइंट बी माय ई है ना और आपको क्या दिया गया द एंगल ऑफ डिप्रेशन पॉइंट पी से कितना दिया गया सिक्सटी डिग्री है ना तो ये आपको दिया गया है सिक्सटी डिग्री ये आपको दिया गया है सिक्सटी डिग्री ये आपको दिया गया है सिक्सटी डिग्री ओके भाई सिक्सटी डिग्री दिया गया है, चलो ठीक है आपको पूछा क्या है देन द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लेक मतलब आपसे पूछा क्या क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क मार्क आपका रिक्वायरमेंट है ठीक है सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क चलो ठीक है भाई मैं क्या बोलता हूँ बी माई एक्स ये तो भाई ट्वेंटी फाइव है और ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव ठीक है और ये मेरा क्या है लेक है है ना ये मेरा क्या है लेक है ये मेरा क्या है लेख है ये क्या है मेरा लेख ये मेरा क्या है लेख है ठीक है अब मैं एक काम करता हूं अब मैं एक काम करता हूं देखो मुझे निकालना क्या है मुझे बेसिकली निकालना अगर मैं X निकाल लिया, तो आंसर कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव प्लस एक्स ठीक है बट एक्स कैसे निकालूंगा देखो इन ट्राएंगल तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इन ट्राइंगल इन ट्राएंगल सी पी डी है ना अगर मैं बोलू आपको थर्टी कितना हो जाएगा देखो टेन थर्टी टेन थर्टी डिग्री टू एक्स बाई पी डी देर फॉर पी डी रूट थ्री एक्स ठीक है अगर मैं बोलू आपको अगर मैं बोलू आपको इन ट्राइंगल पी डी सीडेस टेन कितना हो जाएगा आपका टेन

डी का वैल्यू वैल्यू ये PD का पे पुट कर दो तो इम्प्लाइज देट रूट थ्री एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस फिफ्टी हो जाएगा ठीक है तो देयर फॉर एक्स इक्वल हो जाएगा ट्वेंटी फाइव बट आपसे क्या पूछा है एक्स नहीं पूछा आपसे आपसे क्या पूछा है सी कि कितना होगा देयर फॉर सी इज इक्वल टू हाउ मच एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव फिगर देखो ना देट इज इक्वल टू हाउ मच ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी तो ऑप्शन में आपके पास देखो फिफ्टी अवेलेबल है ठीक है डन तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था बस एक सिंपल सा इसमें कंसेप्ट डाला है कि अगर वो लेक में रिफ्लेक्शन की बात करता है तो क्या आपको पता है कि आप उसको एज ए प्लेन एक्ट करोगे और यहाँ से इसका जितना डिस्टेंस होगा यहां से इसका इतना डिस्टेंस होगा बस यही था, है ना concept क्या था कि आपका ये इक्वल्स टू ये होगा जिसको ये समझ में आ गया एंड दिस इज द मिड पॉइंट और जिसको ये समझ में आ गया, गया इस क्वेश्चन में वो तो आराम से निकाल लेता तो मैंने इसलिए बार बार फिर से कह रहा हूं अगर आपको इस टॉपिक को मास्टर करना है जिसमें से जेडब्ल्यू मेन्स में एवरी ईयर क्वेश्चन आ ही रहे हैं ऑलमोस्ट किसी ना किसी सेशन में आपको देखने को मिलेगा ही है ना तो आपको क्या चीज का ध्यान रखना है <coughs> आपको यह ध्यान रखना है कि फिगर आप ड्रॉ कर लो अगर फिगर ड्रॉ हो गया तो आपका काम हो गया ठीक है चलो फिर एक लास्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर एट उसके बाद आपका हाइट एंड डिस्टेंस कवर हो गया है ना हाइट एंड डिस्टेंस कवर हो गया बाकी अगर जरूरत पड़ेगा तो डेफिनेटली मैं और भी क्वेश्चंस कराऊंगा नए नए वराइटीज क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के लूंगा और भी डिफिकल्ट लेवल के लूंगा क्योंकि ये हाइट एंड डिस्टेंस जो है वो जेडब्ल्यू एडवांस में नहीं आता है मेन्स में ही आता है तो मेंस का लेवल एनसीईआरटी जैसा ही रहता है तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं मेन्स का पेपर तो वैसे ही बहुत इजी होता है ना तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं आराम से अपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ठीक है चलो मैं थोड़ा से पानी पी लेता हूँ गला सूख गया है मेरा ठीक है ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो ये क्वेश्चन आप लोग को ट्राई करना

At a certain point A on the path, he observed that the angle of elevation of the top of the pillar is 30 degree. Okay. After walking for 10 minutes from A in the same direction at point B, he observed that the angle of elevation of the top of the pillar is 60 degree. Then the time taken in minutes by him from B to reach the pillar is ठीक है चलो इन minutes बोला गया है तो मैं सब कुछ को minute में ही रखूँगा ठीक है सब कुछ को मैं minute के terms में ही रखूँगा ठीक है आपसे बोला गया कि ये एक pillar है और ये क्या है ground है एक आदमी यहां पे क्या होता है ए पोजीशन पे होता है उसको एंगल कितना दिखता है ये 30 डिग्री ठीक है फिर वो आदमी कहां पर आता है आपका बी पोजीशन पे आता है जहां पे उसको एंगल कितना दिखता है आपको 60 डिग्री है ना 60 डिग्री 60 डिग्री इसको मैंने ले लिया लेट्स से पी इसको मैंने ले लिया लेट्स से क्यू ठीक है और ये जो आदमी यहां पे जो आपको दिख रहा है ये जो आदमी यहां पर है ठीक है उसका स्पीड कितना है उसका स्पीड

ए बी विल बीस टू हाउ मच वी टू टी वी टू टी टी मतलब कितना देखो आफ्टर आफ्टर फॉर फॉर मिनट्स फ्रॉम ए टू है ना टू आफ्टर फॉर टेन बी तो ये कितना हो जाएगा भाई दिस विल इक्वल टू टेन वी मीटर टेन वी मीटर ठीक है ना तो ये ए बी जो है आपके पास में वो कितना है आपके पास में टेन बी मीटर आ गया चलो इतना कैलकुलेशन करके आपने ये सब निकाल लिया इसको मैं हटा देता हूं इसको मैं हटा देता हूँ आप नोट कर लिए आई थिंक आप नोट कर लिएगे मैं इसको हटा देता हूँ अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं निकालना क्या है मुझे निकालना है मुझे देन द टाइम टेकन बाय हिम फ्रॉम बी टू द दीरियड इस है ना तो देखो क्या हो जाएगा ये जो टाइम इसमें लगेगा वो टाइम क्या हो जाएगा बी इजल टू हाउ मच एस बाई टी टीस टू एस बाई बी मतलब BQ बाई भी ये टाइम होगा BQ बाई भी तो आपको बेसिकली निकालना क्या है BQ निकालना है योर टास्क इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ BQ तो कैसे निकालोगे है ना BQ को कैसे निकालोगे आप ठीक है अगर मैं बोलू अगर मैं बोलू कि देखो आ, ए भी तो आपका निकल चुका है ए भी आपका क्या निकल चुका है न, इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे देखो अगर मैं बोलू अगर मैं बोलू कि देखो इन ट्राइंगल ध्यान से देखते रहना इन ट्राइंगल पीबी क्यू पीबी क्यू ठीक है इन ट्राइंगल पीबी क्यू ठीक है पीबी क्यू में आप क्या निकालोगे साइन सिक्सटी कितना होता है देखो साइन सिक्सटी डिग्री दैट इज टू हाउ मच पी क्यू बाय पीबी पी क्यू बाय पीबी इट कैन बी रिटर्न एज देयर फॉर पी क्यू इज इक्वल टू पीवी साइन सिक्सटी मतलब रूट थ्री बाय टू इन टू पीबी ये हो गया आपका पी क्यू का वैल्यू है ना पी क्यू का वैल्यू कितना रूट थ्री बाई टू पीबी ठीक है भाई चलो अगर मैं आपको नेक्स्ट बात करूं अगर मैं आपको नेक्स्ट बात करूं पी वी कैसे निकालोगे आप है ना पीबी आप कैसे निकालोगे ठीक है तो मैं बोलूंगा कि देखो इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए पी बी कितना हो जाएगा ए पी बी कितना हो जाएगा देखो पी बी बाय पी बी बाय साइन थर्टी इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपको देखो ध्यान से टेन बी डिवाइडेड बाय हाउ मच टेन बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ दिस एंगल हाउ मच इज दिस एंगल ये कितना हो जाएगा भाई देखो ध्यान से अगर ये सिक्सटी है तो ये कितना हो जाएगा वन ट्वेंटी अगर ये 120 ये 30 तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री है ना भाई ये 60 है तो ये 120 होगा सप्लीमेंट्री एंगल का टेन वी पी कितना आ गया टेन बी अगर टेन आ गया तो ये कितना हो जाएगा रूट थ्री बाय टू इंटू तो फाइव रूट थ्री पी क्यू आ गया मेरा BQ कितना आ गया फाइव रूट थ्री फी ये कितना आ गया फाइव अंडर रूट थ्री फी ठीक है अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि देखो अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं मुझे क्या चाहिए BQ चाहिए ना मुझे कितना चाहिए आपको BQ चाहिए ओके okay, अगर BQ चाहिए मुझे तो देखो मैं क्या बोल सकता हूं पीबी स्क्वायर इज इक्वल टू बीक्यू स्क्वायर प्लस PQ square, ऐसे में बोल सकता हूँ मच्छर आ गया है ना ऐसे में बोल सकता हूँ अगर मैं कि PB स्क्वायर कितना है तो आप बोलो कि तो आप सर ये हंड्रेड स्क्वायर दैट इज BQ स्क्वायर सर BQ आपने निकाला क्या नहीं निकाला Sir, BQ तो चाहिए हमें BQ तो हमको चाहिए BQ स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा देखो ट्वेंटी मतलब 75 v square. 75 v square, ठीक है तो देयरफॉर आर फॉर स्क्वायर कितना आ गया ट्वेंटी फाइव वी स्क्वायर देयर फॉर वी क्यू कितना आ जाएगा बीक्यूज इक्वल टू सिंस इट्स डिस्टेंस इट 5v तो so, t कितना हो जाएगा t v तो ये है तो ये 2016 वाली मेन्स पे पूछा गया था बेसिक सा सवाल था एकदम बेसिक सा सवाल था ठीक है तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्या था ये निकालना पी क्यू निकालना अगर पी क्यू निकल जाएगा तो आपका बीक्यू निकल और वैसे भी देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते थे और एक मेथड बताता हूं मैं ये तो एकदम सिंपल है आपको मैं समझा दिया और आप क्या कर सकते थे इसमें देखो ठीक है और आप क्या कर सकते थे अगर मैं आपको बोलता कि देखो आपने वो फॉर्मूला देखा था ना एज इक्व क्या था आपका, आपका? सॉरी वो एक्स इक्व कितना था आपका ए साइन अल्फा साइन बीटा बाय वाट साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा यह एक्स क्या है एक्स बेसिकली आपका क्या है पी क्यू है

तो इससे आपको सीधा पी क्यू मिल गया ये पी क्यू का वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो आपको बीक्यू मिल जाएगा बीक्यू का वैल्यू आप यहाँ पे पुट करते हैं आपको फाइव मिनट पर मिनट फाइव मिनट्स मिल जाता बट द प्रॉब्लम हेर इज कि आपको ये रिजल्ट को याद रखना पड़ता आपको इस रिजल्ट को याद रखना पड़ता मैं कहता हूं आप जी डब्ल्यू की तैयारी करो आपको ऑलरेडी इतने सारे फॉर्मुलज याद करना है फिजिकल केमिस्ट्री तो भाई याद ही करोगे टेक्निक से भी याद करोगे तो याद तो करोगे ना आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ फॉर्मुलाज जाएंगे उतना तो ज्यादा है नहीं खैर चलो सॉरी इनऑर्गेनिक याद करोगे फिजिकल में आप कुछ कम फॉर्मूलाज है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा आपको ऑर्गेनिक में इतनी सारी चीजों को याद रखोगे फिजिक्स में इतने सारे फॉर्मूलाज है सबको याद रखोगे अब मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में भी अगर फॉर्मूला याद रखोगे तो भाई दिमाग तो भसाड़ मचेगा ही ना इसीलिए फॉर्मूला याद नहीं करना है जहां जहां पॉसिबल है कि आप फॉर्मुला नहीं याद करके आप चीजों को फटाफट सॉल्व कर सकते हो अवॉइड रिमेम्बर इन दमुलामूलाज वहां पे जस्ट आप पे फोकस करो और जहां पे नीड होगी फॉर्मुला याद रखने की तो तो आप याद रखोगे ही ना ठीक है डन चलो फिर थैंक यू सो मच लव यू यू ऑल सी इन द नेक्स्ट क्लास तो हो सकता है मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चन लू या फिर हो सकता है मैं नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर को स्टार्ट करूँ ठीक है चलो फिर थैंक यू सो मच गुड बाय टेक केयर